ज्ञानवापी मस्जिद पर आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण पर लगाई रोक। 1951 से चल रहा है काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद। जानिए क्या है काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद जमीन विवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद के एएसआई से सर्वेक्षण मामले में फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को एएसआई के सर्वेक्षण कराने पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने वाराणसी की अदालत में ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले से संबंधित अन्य सभी कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। दरअसल वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने अप्रैल में एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया था कि इस विवाद से जुड़ा एक मामला पहले से ही हाईकोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में वाराणसी की अदालत को इस तरह का आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। ये गलत आदेश है और इसे रद्द कर देना चाहिए। जिसके बाद मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में बहस पूरी होने के बाद 31 अगस्त को फैसला रिजर्व कर लिया था और अब जाकर जस्टिस प्रकाश पाड़िया की सिंगल बेंच ने फैसला सुना दिया है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में जहां सिविल कोर्ट ने एक आदेश कर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को मस्जिद के नीचे के भाग का सर्वेक्षण कराए जाने के लिए आदेश किया था, जिसको इंतजामिया कमेटी ज्ञानव्यापी मस्जिद ने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या जी ने अपने आदेश में आज उक्त दीवानी न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगा दी और साथ ही साथ मुकदमे की सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। चूंकि इंतजामिया कमेटी की तरफ से याचिका में कहा गया कि 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया था और उसके बाद संपूर्ण भारतवर्ष में किसी भी उपासना स्थल को लेकर किसी भी तरह का कोई मुकदमा वाद विवाद दाखिल नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये मुकदमा मेंटेनेबल नहीं है। इसी बीच जब सिविल कोर्ट ने पुनः सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया तो उसको भी चुनौती दी गई, जिसको सुनवाई करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया था और आज इस उक्त आदेश में उक्त आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश के साथ साथ मुकदमे की प्रोसीडिंग पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर में मंदिर था या मस्जिद, इसको लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। इस मामले में कोर्ट में 1991 से केस चल रहे हैं। इस मामले में 8 अप्रैल 2021 को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की ओर से एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया गया था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक केंद्रीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा 5 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम बनाकर ज्ञानव्यापी परिसर की खुदाई कर धार्मिक स्वरूप और शिवलिंग होने का पता लगाया जाएगा। लेकिन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने 5 जुलाई को निगरानी याचिका दायर कर आदेश को चुनौती दी थी। इससे पहले 30 अप्रैल को ही सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ ने निगरानी याचिका दायर की थी। इसी मामले में मंदिर पक्ष की ओर से रिवीजन नहीं करने की मांग की गई थी। प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।